हेलो गाइस यार, आप लोगों का स्वागत है कॉर्न न्यू GD5 की वीडियो में। एंड गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा आज है भाई टीचर्स डे, तो आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। और गाइस, आप लोग अपने टीचर्स को जाकर के हैप्पी टीचर्स विश जरूर करना। अरे हाँ दोस्तों, जरूर बोलना। और पता है, हम सब लोग के तरफ से भी हैप्पी टीचर्स डे बोल देना। अरे हाँ यार, बहुत ही अच्छी बात की सिंचन ने। बट सिंचन, एक बात बता, मैं तुझसे ही पूछना चाहता हूँ, टीचर्स डे के दिन करना क्या चाहिए? तुम लोग करते क्या हो? अरे मैं तो स्कूल जाके बदमाशी करता हूँ। नहीं, हम लोग टीचर्स डे के दिन जाकर के टीचर लोग को गिफ्ट देते हैं। पिछले बार टीचर्स डे के दिन मैंने पत्थर गिफ्ट दिया था टीचर को, सबसे अनोखा वाला। मैंने तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया था टीचर को, बहुत ही स्टाइलिश पेन दिया था जो अभी तक चल रहा है। अच्छा, ऐसी बात है सिंचन, तूने कोई गिफ्ट नहीं दिया था क्या टीचर्स डे के दिन टीचर को? अरे हाँ दिया था ना वादा। अच्छा वादा दिया था, कौन सा वादा दिया था तूने? अरे बदमाशी नहीं करने का, और मैं अभी तक निभा रहा हूँ। अच्छा भाई, मतलब कि तू वादा दिया था बदमाशी नहीं करने और अभी तक निभा रहा है। अच्छा भाई, तेरा वादा तो बहुत ही सच्चा है। ओके तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ ना कि भाई हम लोग आज की इस टीचर्स डे, मतलब हैप्पी टीचर्स डे के दिन भाई टीचर को बहुत ही तड़कता भड़कता मस्त वाला गिफ्ट दे। तो तुम लोग क्या कहना चाहते हो, क्या गिफ्ट देना चाहिए टीचर को, जल्दी बताओ। भाई वो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पूरे साल भर मेहनत कराते हैं, तो भाई उन्हें तो गिफ्ट देना बनता है। इसलिए जल्दी बताओ कौन सा गिफ्ट दे वो लोग को। और गाइस आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई टीचर्स को क्या गिफ्ट देना चाहिए। आप लोग जो जो सोचोगे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। और तुम लोग भी जरा दिमाग लगाओ और मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। अरे फ्रैंकली भैया, क्यों ना हम लोग एक्शन कमेंट का कार्ड दे दे। नहीं नहीं, क्यों ना हम लोग खिलौना दे। क्यों ना हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, यूनिक अनोखा पत्थर ढूंढते हैं और उन्हें गिफ्ट करके देते हैं। अरे नहीं, हम लोग सबको डायरी और पेन देना चाहिए। मैं कहती हूँ हम सबको केक देना चाहिए। मैं कहती हूँ सब लोगों को चमकीला और डायमंड देना चाहिए, टीचर लोग को डायमंड बहुत पसंद होता है। अरे यार, सबका गिफ्ट ना यार बहुत ही ज्यादा ही अटपटा टाइप का है। किसी के पास कोई तगड़ा आइडिया तड़कता भड़कता तो वो बताओ यार। ये सब आलतू फालतू गिफ्ट भाई, पेन पेंसिल किताब तो सभी दे देते हैं, केक भी सभी दे देता है। भाई कोई अच्छा गिफ्ट बताओ ना जो भाई डेली लाइफ में पर डे यूज है टीचर के। अरे फ्रैंकली भैया, हमारे टीचर ना पैदल जाते हैं, मतलब की साइकिल से। क्यों ना हम लोग मिल करके उन्हें सेकंड हैंड स्कूटर गिफ्ट कर दें, सस्ता भी होगा और हमारे बजट में आ भी जाएगा। अरे वाह यार, क्या ही बात की है सिंचन ने। मतलब कि गाइस, अगर हम लोग सब मिल करके पैसा जमा करे तो भाई सेकंड हैंड स्कूटर तो आ ही जाएगा, और भाई वो टीचर को गिफ्ट कर देंगे। उसके बाद यार टीचर भी भाई स्कूल प्रॉपर तरीके से टाइम पे आ जाया करेंगे और भाई उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ऐसे तो यार साइकिल चलाते हैं हमारे टीचर, इसीलिए सिंचन भाई क्या ही दिमाग लगाया है। चलिए काम करते, जल्दी से सिमियन के शॉप में जाते हैं और भाई सेकंड हैंड स्कूटर देख के आते हैं। चलो यार, तुम लोग सब लोग जल्दी चलो। अरे तो जल्दी चलो भाई, यार सिंचन ने तगड़ा आइडिया दिया है। आप लोग को सिंचन का आइडिया कैसा लगा नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ। हम लोग जल्दी से सिमियन के शॉप में जाते हैं। सिमियन भाई सेकंड स्कूटर तो बेचता ही बेचता है, वहाँ पे जाते पता करते हैं और भाई जो हमारे बजट में होगा वो खरीद लेंगे। और भाई आज के दिन टीचर्स डे के दिन गिफ्ट भी कर देंगे। जल्दी आओ सब लोग गाड़ी में, जल्दी से बैठो। चलो गाइजर, फाइनली सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब गाइजर जल्दी से सिमियन के शॉप में चलते हैं। और गाइजर सिमियन के शॉप में जाने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि मस्त सा कौन सा स्कूटर है, वो खरीद लेंगे। अरे फ्रैंकली भैया, ऐसा ना हो जाए कि हम लोग बीड़े जैसा सर को मना दे, मतलब स्कूटर खरीद के दे दे। अरे हाँ यार, एकदम बीड़े जैसा हो जाएगा। गाइज आप लोग ने गोकुलधाम सोसाइटी में बीड़े को तो देखा ही होगा, भाई वही वाला कांड हम लोग भी करने वाले। मतलब यार अपने टीचर को एक मस्त सा स्कूटी, मतलब स्कूटर देने वाले। अब देखो स्कूटर मिलती है या फिर स्कूटी मिलती है या फिर स्कूटर मिलती है, अब तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। देखते यार कितने पैसों की मिलने वाली है। मुझे तो लगता है भाई ऐसा गिफ्ट टीचर्स डे के दिन कोई भी नहीं दे सकता, मतलब किसी ने सोची भी नहीं होगी ऐसा गिफ्ट। यार हम लोग भाई प्लानिंग कर रहे देने का, बस यार ये हो जाए तो भाई बल्ले बल्ले शावा हो जाएगा, मजा आ जाएगा और सिंचन स्कूल में हमारा नाम भी कितना हो जाएगा। अरे हाँ फ्रैंकली भैया, अगर टीचर खुश हो गए तो सोचिए हमें फाइनल में अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। अरे नहीं सिंचन, हम लोग ये सब मार्क्स के लिए नहीं कर रहे, हम लोग ये सब खुशी के लिए कर रहे हैं, ठीक है? ये मार्क्स उसके लिए हम लोग से कोई मतलब नहीं है। चलो यार अब जल्दी से चलते हैं सिमियन के शॉप में। चलो गाइस यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं सिमियन के शॉप में। ये देखो ये रहा सिमियन। और गाइस यार लगता है इसके पास तो कमाल कमाल की गाड़ियां भी है। चलो यार जल्दी सब लोग उतर जाओ, चलो आ जाओ जल्दी से गाड़ी देखते हैं। ओए सिमियन, पता है आज ना यार हम लोग टीचर्स डे के दिन, मतलब टीचर को गिफ्ट देने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक सी गाड़ी, तो तुम यार जल्दी से बताओ कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। फ्रैंकलिन यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है, जो पसंद है वो देख लो। ओके तो गाइस यार ठीक है भाई, हम लोग जल्दी से देखते हैं। भाई सिंचन कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है?
अरे फ्रैंकली भाई यहाँ पे तो बहुत मस्त मस्त बाइक है। अरे फ्रैंकली भाई ये लाल वाली कितनी मस्त लग रही है बाइक। हाँ 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 टीचर को राइडर ही बना देना, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके राइडिंग करने के लिए जाएंगे। अरे ये सब गाड़ी नहीं चाहिए बाबा, हम लोग को भाई एक स्कूटी या फिर स्कूटर चाहिए। स्कूटी या फिर स्कूटर है सेकंड हैंड में, बजट भी कम है हम लोग के पास। अच्छा तुम्हें सेकंड हैंड चाहिए तो ऐसे बोलो ना, ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ मैं तुम्हें सेकंड हैंड गाड़ी दिखाता हूँ। ओके तो गाइस ये सेकंड हैंड गाड़ी दिखाता है, लगता है सेकंड हैंड गाड़ी ये शोरूम के पीछे है। चलो यार जल्दी से आ जाओ यहाँ पे सेकंड हैंड स्कूटी देखते हैं, इसके पास होगा तो बढ़िया होगा। ओके तो गाइस यार फाइनली हम लोग को भाई स्कूटी दिख गई है, यहाँ पे स्कूटी और स्कूटर भी है। सिंचन कौन सी मस्त लग रही है जल्दी बताओ। अरे फ्रैंकली भैया ये सब तो बहुत ही पुरानी है। अरे हाँ ना यार तो टीचर को गिफ्ट करने वाले क्या ही दिक्कत है। ओए सिमियन जल्दी बता दे ये स्कूटी कौन सा स्कूटर कौन सा है। हमारे पास सिर्फ एक ही स्कूटी है येलो वाली और ये दोनों स्कूटर है, ये तीनों ही बहुत ही पुरानी है। तुम लोग को कौन सी चाहिए पसंद करो, मैं तुम्हें फाइनल रेट बता दूंगा। ओके तो गाइस यार भाई आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ ये दोनों ना स्कूटर है और ये स्कूटी है। भाई सिंचन ले ही रहे तो स्कूटी ही लेना चाहिए, ठीक लग रही है ना। अरे यार चला के देखता हूँ, ठीक तो लग रही है गाड़ी, चलने में तो ठीक है। गाइस आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मुझे लगता है ये येलो वाली लेनी चाहिए, ये स्कूटी ठीक लग रही है। ओए सिमियन मुझे येलो वाली के रेट बता दो। अच्छा तुम्हें ये चाहिए, रुको मैं इसका फाइनल रेट बताता हूँ। ये तुम्हें पूरी पूरी पड़ जाएगी 20,000 रुपए की। एक सेकंड 20,000, भाई इतना तो मैं लेके नहीं आया। सिंचन मेरे पास तो सिर्फ 10,000 है, तुम लोग के पास कुछ पैसे हैं क्या। अरे फ्रैंकली भाई मेरे पास चॉकलेट चिप्स खाने के लिए सिर्फ 10 रुपए हैं। मेरे पास तो 5 ही रुपए हैं। वो पत्ता ढूंढते ढूंढते अपने पैसे घुमा दिया। फ्रैंकली भैया मेरे पास 500 रुपए हैं, बट ये सब मिलाने के बाद ये स्कूटी हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। अरे सिंचन अब क्या करें, हमारे पास तो पैसे इकट्ठा हो ही नहीं रहे, हमें कुछ भी करके टीचर को गिफ्ट भी देना है, पैसे कहाँ से इकट्ठा करें। अरे फ्रैंकली भैया काम करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। अच्छा बात तो सही है, बट चंदा इकट्ठा करेंगे कैसे। अरे स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे करते हैं। ओके तो गाइस चलो यार एक काम करते, स्कूल ही जाना पड़ेगा, स्कूल में जाकर के कोई आइडिया सोचते और वहाँ पे यार चंदा इकट्ठा करते। मैं तो सोच रहा हूँ ना सिंचन भाई स्कूल में जाकर डांस का प्रोग्राम रखते, हम लोग डांस करते और स्टूडेंट लोग देख के मजा लेंगे और भाई हमें पैसे भी मिल जाएंगे। अरे बाप रे भैया आइडिया तो बुरा नहीं है, तो चल यार जल्दी से हम लोग स्कूल जाते हैं, भाई स्कूल से पैसे इकट्ठा करते हैं फिर यहाँ पे आकर के स्कूटी घर ले जाएंगे। चलो तो यार हम लोग स्कूल जा रहे हैं। गाइस अब स्कूल जाकर के पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, हमारे पास 10,000 के करीब है और हमें 10,000 रुपए चाहिए। जैसे 10,000 रुपए पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम लोग भाई स्कूटी खरीदेंगे और भाई टीचर्स को गिफ्ट कर देंगे, क्या ही मजा आएगा, भाई टीचर्स तो खुश हो जाएंगे। बट उससे पहले हमें पैसे भी तो चाहिए, मैं 10,000 रुपए लेके आता सोचा था 10,000 में आ जाएगा, बट नहीं यार हम लोग जो स्कूटी पसंद किए वो 10,000 रुपए से ज्यादा का है। इसका ये मतलब है कि हम लोग अच्छी वाली स्कूटी पसंद की है। अब चलो जल्दी से स्कूल जाते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। चलो तो गाइस यार फाइनली हम लोग स्कूल पहुंचने वाले हैं, ये देखो ये रहा स्कूल। भाई चलो यार जल्दी से यहाँ पे पहुंचते हैं और भाई हम लोग को यहाँ पे कुछ करना ही पड़ेगा, तब जाकर के लोग हमें पैसे देंगे, उसके बाद यार हमारे पास पैसे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अरे फ्रैंकली भाई मेरे पास एक प्लान है जिससे हमारे पास पैसे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा तो ठीक है यार तुम्हारा कोई भी प्लान हो मैं कर दूंगा, जल्दी बताओ। अरे फ्रैंकली भैया और नाचिए और नाचिए, देखिए लोग आएंगे ही आएंगे। अरे यार देख रहो गाइस ये सिंचन मुझसे क्या करवा रहा है, मतलब यार सिंचन मुझसे डांस करवा रहा है। अरे मुझे राय करवाना था क्या मुझसे। अरे वाह फ्रैंकली भैया सच में बंदर बन गया आप, लेकिन मजा देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं मतलब कि हमारा काम हो रहा है। चलो सब लोग पैसा इकट्ठा कर दो, हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम लोग को मजा आएगा। चलो फ्रैंकली भैया लगे रहिए करते रहिए। अरे दोस्तों देखो यहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई और देखो हमारे पास पैसे भी आ गए कितने सारे। अरे बाप फ्रैंकली भैया कमाल कर दिया आपने। अरे हाँ गाइस यार भाई थोड़ी देर में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए, मजा आ गया। चलो गाइस यार फाइनली हम लोग ने इकट्ठा कर लिए हैं, देख रहे हो यहाँ पे पैसे इकट्ठा हो चुके हैं, अब इसे जल्दी से लेके चलते हैं और भाई स्कूटी खरीद के आते हैं। चलो सिंचन आ जाओ गाड़ी में बैठो। फाइनली यार हम लोग का मिशन यहाँ पे पैसा कलेक्ट करना कंप्लीट हो गया। चलो गाइस जरा फाइनली जल्दी से चलते हैं भाई सिमियन के शॉप में, स्कूटी बिक ना जाए, हमारे पास पूरे 20,000 मतलब 20,000 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। अब जल्दी से जाते हैं स्कूटी लेते हैं और भाई उसमें पेट्रोल भी भरा लेंगे, सर को पेट्रोल भी भराने का जरूरत नहीं होगा। अरे बाप रे फ्रैंकली भाई हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जल्दी चलिए। अरे हाँ चल रहे भाई जल्दी चल रहे हम लोग। ओके तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं सिमियन के शॉप में। एक सेकंड गाइस देखो यार यहाँ पे और लोग भी लेने के लिए आ चुके हैं, बट हम लोग जाते और जल्दी से पैसे देते हैं। सिमियन ये ले 20,000 रुपए और ये स्कूटी अब से हमारा हुआ, ठीक है। ठीक है फ्रैंकलिन लाओ पैसे ले जाओ स्कूटी। चलो गाइस अब एक काम करते हैं टीचर को सरप्राइज करते हैं ये स्कूटी के साथ, वो भी स्कूल में। तो फाइनली यार हमारे टीचर आ चुके हैं। अरे सर हैप्पी टीचर्स डे, देखिए हम लोग सब लोग ने मिल करके आपके लिए अपने हाथों से केक बनाया है, खा के तो देखिए। अरे फ्रैंकलिन मैंने तुम सबको छोटे से पढ़ाया है, मुझे पता है ये केक
तुमने नहीं बनाया, मार्केट से सिर्फ मंगाया हो। झूठ तो बोलना बंद कर दो फ्रैंकलिन। अरे बाप रे, सर ने तो भाई झूठ पकड़ लिया। सच में यार, हम लोग ने मार्केट से मंगाया था। अरे ये सब छोड़िए फ्रैंकलिन भाई, सर को स्पेशल वाला गिफ्ट तो दिखाइए। अरे सर ये सब चीज छोड़िए, पता है मैंने और भाई हम सब ने मिल करके एक ऐसा गिफ्ट आपके लिए परचेज किया है ना कि आप देख करके शॉक हो जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, कौन सा गिफ्ट परचेज किया, दिखाओ दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। अरे ये देखिए, ये है आपके लिए ब्रांड न्यू स्कूटी। मुझे पता है, हम सबको पता है कि आप साइकिल से आते थे तो स्कूल आने जाने में लेट हो जाता था और आप थक भी जाते थे। ये लीजिए आपके लिए ब्रांड न्यू स्कूटी। अरे ये तुम लोग ने परचेज किया है? अरे चिंता मत करिए सर, सेकंड हैंड है, बट हाँ हम ही लोग ने परचेज किया। वाह यार, ये स्कूटी तो कमाल की है, तुम लोग सबका शुक्रिया इसके लिए। मैं कब से सोच रहा था स्कूटी लेने का, बट तुम लोगों ने मुझे गिफ्ट कर दिया, शुक्रिया। तुम सच में तुम लोग बहुत ही अच्छे हो। अरे यार सर को देखो यार, सर मस्त तरीके से स्कूटी घुमा रहे। वाह सर, कमाल कर दिया आपने। अरे शुक्रिया, तुम लोग ने कमाल कर दिया मुझे ये स्कूटी गिफ्ट करके। ओके तो गाइस, हम लोग ने भाई मिल करके टीचर्स डे के दिन भाई सर को स्कूटी गिफ्ट दिया, तो सर बहुत ही खुश है। बट आप लोग अपना टीचर्स डे आप लोग ने कैसे मनाया नीचे कमेंट करके जल्दी से बताना। और इसी तरीके से और भी वीडियो देखनी है तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। एंड वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।